हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम होटल स्टाइल में पनीर चिल्ली बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं पनीर चिल्ली बनाने की रेसिपी। सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल के अंदर 2 टेबलस्पून चावल का आटा डालेंगे, फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तीखेपन के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर लिया है, फिर डालेंगे 1/2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालकर इसका मीडियम बैटर तैयार करते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए, हमें बैटर को कुछ इस तरह तैयार करना है। अब हम इसमें कटे हुए पनीर के टुकड़े डाल देते हैं और पनीर को बैटर के साथ अच्छे से घोल देते हैं, कुछ इस तरह। पनीर बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको तेल में डीप फ्राई करेंगे। तेल गरम हो चुका है तो अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं और पनीर को फ्राई करने के लिए तेल में डाल देते हैं। दो मिनट इसे हम तेल में ऐसे ही फ्राई होने देते हैं। दो मिनट बाद चम्मच की मदद से इसको पलट देते हैं। पनीर को कढ़ाई में डालने के बाद मेरा थोड़ा सा बैटर बच चुका है, तो इसे मैं फेंकूंगी नहीं। इसे मैं ग्रेवी को थिक करने के टाइम यूज करूंगी। अगर आपका भी बैटर बचा है तो इसे आप फेंकिए नहीं, इसे आप ग्रेवी को थिक बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हम पनीर को चेक कर लेते हैं। पनीर गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसको निकाल देते हैं। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे, तो सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें 8 से 10 कटे हुए लहसुन की कलियां डालेंगे, फिर डालेंगे 3 हरी मिर्च के टुकड़े, फिर मैंने यहाँ पर 1/2 कप जितना बीन्स लिया है। अगर आपको पसंद है तो इसे डालिए, वरना अवॉइड कीजिए। फिर डालेंगे 1 मीडियम साइज कटा हुआ कैप्सिकम। अब हम सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं अच्छे से। इसे हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। वेजिटेबल को हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, इसे हम 80% तक ही पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए ओनियन। ओनियन को मैंने कुछ इस तरह कट किया है। ओनियन को भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ओनियन को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना विनेगर, फिर डालेंगे थोड़ा सा केचप। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसे हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 मिनट बाद मैंने यहाँ पर हरा प्याज लिया था, जिसको मैंने बारीक कट कर दिया है, उसको भी हम डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसे हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 मिनट बाद जो हमने फ्राई किया था पनीर को, वो पनीर हम इसमें डाल देते हैं। पनीर को भी अब हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
पनीर थोड़ा हमें ड्राई लग रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो ग्रेवी बची थी ना उसको हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपकी ग्रेवी नहीं बची है तो आप क्या कीजिए, 1 टेबलस्पून चावल का आटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, तो आपकी भी ग्रेवी बनकर तैयार है। उसे आप पनीर के साथ डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पनीर को थोड़ा कलर लाने के लिए इसमें मैं 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी पनीर चिल्ली। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल देती हूँ। तो बनकर तैयार है हमारी पनीर चिल्ली। नेक्स्ट क्या बनाना है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स।